अस्सलाम वालेकुम। वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9 ऑफ बायोलॉजी क्लास 10 फार्माकोलॉजी। वी विल स्टार्ट विद शॉर्ट क्वेश्चंस। 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले वो कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम क्यों नहीं करता? सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बनाया इसलिए जाता है ताकि वो बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन से लड़े। वायरल इन्फेक्शन से वो लड़ने के लिए बनाया जाता ही नहीं। सेकेंडली, एंटीबायोटिक्स बेसिकली सेल वॉल पर हमला करता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि वायरसेस के पास सेल वॉल होता ही नहीं है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द सेडेटिव यूजफुल। सेडेटिव्स बेसिकली एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को थोड़ा ठंडा दिमाग हो जाता है एंड उसको नींद आना शुरू हो जाती है। यूज़ इसका बेसिकली जो होता है वो एनजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी एनजाइटी लाइक पैनिक अटैक्स वगैरह जो होते हैं उस पर्पस के लिए। स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको रातों में नींद नहीं आती। सीजर्स, जिनको बॉडी में थोड़े से मूवमेंट होती है, अनकंट्रोल मूवमेंट होती है। स्ट्रेस एंड टेंशन एंड पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि इस हवाले से क्या होता है, उनकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो स्लो डाउन की जाती है, जिससे वो थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज एडिक्शन कंसिडर्ड अ हार्मफुल कंडीशन। एडिक्शन एक हार्मफुल कंडीशन क्यों कंसिडर किया जाता है? बिकॉज जब किसी इंसान को एडिक्शन होता है तो उसको अदर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है उस मेडिसिन पे या ड्रग्स पे, तो उसके इम्यून सिस्टम में अफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा वो ड्रग्स को हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपना लेता है, क्योंकि उसके जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो अफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर वो क्राइम्स की तरफ उसका रुझान हो जाता है। सेकेंडली, उसकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब वो ड्रग्स नहीं लेता तो उसका दिमाग गर्म होता है, ठंडा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से होता है, एग्रेसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ड्रग्स बी टेकन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से हम लोग ड्रग्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं? प्लांट्स में बेसिकली उनके जो रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स हैं, उनके अंदर जो है कुछ स्पेशल सब्सटेंस पैदा होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ड्रग्स या मेडिसिन तैयार करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तैयार होते हैं। मेटाबोलाइट्स बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। यूजुअली जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है वो ग्रोथ फंक्शन में इस्तेमाल होता है, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबोलिज्म इन प्लांट्स यूजुअली। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ये क्योंकि ग्रोथ फंक्शंस के इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ग्रोथ फंक्शंस लाइक इन्हेंस करने के लिए ग्रोथ को, इनसे इस टाइप के मेटाबोलाइट्स यूज़ करके हम लोगों के ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स हैं वो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये एक्सट्रैक्टिव्स होते हैं, लाइक ऑर्गन्स एंड बाइल एसिड्स, इनको हम लोग थेरेप्यूटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। एंड मिनरल्स को हम लोग ज़्यादातर फूड सप्लीमेंट के तौर पे या पेस्ट बना के या नमक बना के उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो ड्रग्स को हासिल करने के 5 तरीके हैं, लेकिन सवाल में सिर्फ नेचुरल सोर्सेज का कहा गया है, इसलिए हम लोगों ने शुरू के 4 नेचुरल सोर्सेज के बारे में जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू गेट ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, नेम सम ऑफ देम। ड्रग्स हासिल कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 4 में हम लोगों ने देखा था कि ड्रग्स जो है हम एनिमल के हार्मोन्स एक्सट्रैक्टिव्स को यूज़ करके हम लोग ड्रग्स तैयार करते हैं। उन्हीं कुछ एग्जांपल्स, गोनाट्रोपिन, ये बेसिकली फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए होता है कि कुछ मर्दों को या औरतों को फर्टिलिटी नहीं होती है उनके अंदर, जिसके वजह से उनको इम्प्रूव करने के लिए ये हम लोग हॉर्स सीरम से तैयार करते हैं। एंड देन हमारे पास कुछ जो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उस सिलसिले के लिए हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम लोग स्नेक वेनम से हम लोग हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स जो हैं हमें काउस से मिल रहे होते हैं, और माइग्रेन्स यानी कुछ स्पेशल काइंड ऑफ हेडेक है उसके लिए जो मेडिसिन होते हैं वो चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड जो ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए हमें जो सीरम चाहिए होता है वो हम माइस से हासिल करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये ड्रग्स के जो हम लोग एनिमल्स से हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू वी हैव एनी हार्म फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, इफ सो मेंशन देम। एंटीबायोटिक्स से कोई नुकसान हो सकता है, अगर है तो बताइए। तो एंटीबायोटिक्स ऑल्दो हमारे लिए काफ़ी लाइफ सेवर वाला काम कर चुका है काफ़ी सदियों से, लेकिन ये इसके भी कुछ डाउनफॉल्स होते हैं, डाउनसाइड्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं,
उनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो जो है उन पे वो एंटीबायोटिक्स अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। उस प्रोसेस को या उस चीज़ को हम लोग कह देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अलावा एंटीबायोटिक का जो असर इंसानों में होता है वो डायरिया होता है, अपसेट स्टमक होता है, थ्रेश जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट अगेन एक फंगल इन्फेक्शन है, और येलोइंग ऑफ टीथ, ये सब हमारे पास डाउनसाइड्स हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क अगेंस्ट पैथोजन, एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब वैक्सीन्स बेसिकली क्या होता है, ये बायोलॉजिकली प्रिपेयर ड्रग्स होते हैं ताकि हमें किसी एक डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल हो, ताकि वो जो डिजीज है हम पे अफेक्ट ना करें। अब वो काम कैसे करता है, बेसिकली वैक्सीन के अंदर क्या होता है, एक एजेंट मौजूद होता है जो या तो उस डिजीज के खिलाफ जो डिजीज कॉज कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म उसका वीकेंड फॉर्म होता है, या फिर उसका किल्ड फॉर्म होता है, या फिर उसका कोई केमिकल होता है जिसके वजह से ये डिजीज फैल रही है, तो वो जो टॉक्सिन्स भी हो सकता है वो। जब वो हम लोग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडीज़ के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम, वो अलर्ट हो जाता है एंड वो उसके खिलाफ भी काम करना शुरू करता है। लाइक होता ये है कि पहले जो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, मैक्रोफेज जो है उसको इंजेस्ट कर लेता है एंड देन ये टी सेल के सामने लेकर आता है। टी सेल क्या करता है, फिर अपने क्लोन्स बनाता है, किलर टी सेल्स अपने क्लोन्स बनाता है जो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। फिर हेल्पर सेल्स जो है वो जो है टी सेल्स की भी हेल्प कर रहे होते हैं, उसको लाइक मदद कर रहे होते हैं, स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, एंड सप्रेसर सेल्स जो है वो टी और बी सेल्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं जब ये काम खत्म हो जाता है। एंड देन जो मेमोरी टी सेल होता है वो क्या करता है कि वो उस एंटीजन के खिलाफ जिस जो ये डिजीज कॉज कर रहा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिससे क्या होता है कि अगेन अगर कोई उस टाइप का ऑर्गेनिज्म या वो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया हो जाता है किसी तरीके से, तो हमारी बॉडी को पहले ही पता होता है कि हमारे किलर टी सेल्स को कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से एंटीबॉडीज पैदा करने हैं। तो इस तरीके से वैक्सीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।